हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सीता सुंदर है, तो जो सुंदर शब्द है वो सीता की विशेषता को बता रहा है। तो इसमें सीता संज्ञा है और सुंदर इसमें विशेषण है। और विशेष्य जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। दूसरा है नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। इसमें रंग बिरंगे और 4 विशेषण हैं और पुस्तकें और गुब्बारे इसमें विशेष्य है। अब हम जानेंगे विशेषण के भेदों के बारे में। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक विशेषण। सबसे पहले हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण दोष रूप आकार रंग को बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास सुंदर गुड़िया है, गुड़िया ने लाल फ्रॉक पहना है। तो इन वाक्यों में सुंदर और लाल शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। जैसे अच्छा बुरा मोटा पतला गोरा काला ऊंचा नीचा ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या को बताते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है। जैसे 2, 4, 5 इत्यादि ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में 2 और 1 ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की परिमाण अथवा मात्रा का बोध हो जाए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए माँ ने 5 किलो चावल खरीदे, रोमा 2 लीटर दूध लाई है। मुझे कुछ फल दो, दूध में कम चीनी डालना। तो इन वाक्यों में 5 किलो 2 लीटर कुछ और कम ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। चौथा है हमारा लास्ट सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता को बताता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए यह लड़का काफ़ी दुबला है, मेरा पेन खो गया है। तो इसमें संज्ञा से पहले ही संज्ञा की विशेषता का पता चलता है। तो यह सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने विशेषण और विशेषण के भेदों के बारे में जाना। धन्यवाद।